हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई होप बच्चों आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। देखो, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग जी मीन्स के, कहो चाहे जी एडवांस के कहो चाहे नीट के लिए कहो, तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस में तो इससे पूरा का पूरा पैसेज पूछा जाता है 2 से 3 क्वेश्चन का, तो ध्यान रखें, ढंग से इसको सुने आज की वीडियो लेक्चर को। आज मैं बात करूंगा कुछ रिएजेंट्स की और उसके बाद कराऊंगा क्वेश्चंस को। कार्बोनाइल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो ये भी ध्यान रखें। आज मैं आधा पार्ट कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। लेट मी स्टार्ट कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो, सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। कार्बोनाइल कंपाउंड में रिएक्शन की सबसे ज्यादा होती है, जो की इंपॉर्टेंट है। पहली है इसमें बेटा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के लिए 2 तरीके से आप ओजोनोलिसिस करा सकते हैं। एक है आपके पास O3, ओजोनोलिसिस के लिए ओजोन जरूरी है O3, और अगर जिंक और H2O या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसमें जो बनते हैं वो होते हैं आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, याद रखें इस चीज को, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अगर बात करें दूसरा टाइप में, अगर O3 इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका H2O2 भी हो सकता है या फिर MCPBA या एनी परोइक एसिड। परोइक एसिड हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। परोइक एसिड आपके कौन से होते हैं बेटा? CH3, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी, वो आपके परोइक एसिड कराएंगे। इसमें क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका रिडक्टिव के हिसाब से, ध्यान रखें रिडक्टिव के अकॉर्डिंग, अगर एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दीजिए किसमें बेटा? एसिड में। और अगर कीटोन बनता है तो वो कीटोन एज इट इज वैसा ही रहेगा। क्लियर है? एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में, कीटोन वैसा का वैसे है। एक और चीज है इसी के लिए, अगर आपका फॉर्मिक एसिड बनता है, इफ CH HCOH इज फॉर्म, अगर फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म देन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे इसको CO2+H2O में, तो ये कहलाता है आपका टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्कीन या एल्काइन। टर्मिनल एल्कीन या एल्काइन के लिए ये टेस्ट की तरह भी काम करता है। क्लियर है? ये हुई ओजोनोलिसिस के बाद। अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन को। तो सेकेंड रिएक्शन, तो सेकेंड है हमारे पास हीटिंग ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लेते हैं इससे कैसे कार्बोनाइल की प्रिपरेशन होती है। कैल्शियम सॉल्ट को आपको हीट करना, ध्यान रखें ये आपका फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम का सॉल्ट है। हीट करने पर CaCO3 बैठ जाता है सिस्टम में, CaCO3 निकाल देते हैं, CA कैल्शियम, ये है CO3, तो यहां से जो बचेगा ये H इससे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, फॉर्मल्डिहाइड। मेरे पास किसकी प्रिपरेशन होगी बेटा? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो चुकी है। ध्यान रखें अगर दोनों तरफ R ग्रुप होंगे तो यहां दोनों तरफ R ग्रुप ऑलरेडी आ जाएंगे, तो वो बन जाएगा आपका कीटोन प्लस CaCO3 जो भी है यहां पर आपका बैठ जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट इसमें फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा। लेकिन और अगर एल्डिहाइड बनाना है तो आपको मिक्स्ड एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा, वो ये रखा है आपको, यहाँ पर एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, इसको हीट करने पर ये CaCO3 रिमूव कर दो अगेन इस तरीके से, तो ये वाला बॉन्ड है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी CH3 सिल्वर बॉन्ड OH। बाकी के दोनों प्रोडक्ट भी बनेंगे जो सेल्फ से बनने चाहिए, यहाँ CH3 यहाँ CH3 प्लस H सिल्वर बॉन्ड O और ये H। इस तरीके के एग्जाम्पल्स याद रखने चाहिए, ध्यान रखें। ये हो गया दूसरा तरीका हीटिंग ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। अब मैं कुछ नेम रिएक्शंस को बताता हूं जिससे कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो सकती है, तो चेक करें। तीसरे हमारे पास स्टीफन रिएक्शन। देख लीजिए स्टीफन रिएक्शन से किस तरीके से बनता है प्रोडक्ट बेटा। आपको दे रखा है साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन की अगर आपने SnCl2+HCl से रिएक्शन कराई, आपको रिएक्शन करा के बता देता हूं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन होगा CH(NH) तक जाएगा। मैंने इसमें 3 रिएक्शंस लिखे हैं जिसमें कि रिडक्शन पहला वाला ही है, जो रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन को पहली है, बाकी दोनों और एडिशनल में है वो भी चेक कर सकते हैं। ये सिंगल टाइम रिडक्शन हो जाएगा, SN ऑलरेडी +2 में है, ये कन्वर्ट होगा बेटा +4 में, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा जो कि एक्सेप्ट करेगा और रिडक्शन का पार्ट क्लियर कर देगा। सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस है, तो फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस बहुत सिंपल है, इसको ब्रेक कर दीजिए, यहां लगाइए H2 और इस पर लगाइए ऑक्सीजन, बिल्कुल 2 बॉन्ड तोड़े हैं आप, OH और OH करके कर सकते थे, H और OH करके वो भी होगा। ये है आपके पास फिर से अगेन रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट ही है,
इसको यूज करना है आपको। डब्ल्यू बी यूज किस तरीके से, कि इसी तरीके से देखो यहां पर प्लस टू में था तो प्लस फोर में कर दिया, और मुझे पता है टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम फोर ही होती है, यहाँ जीरो में दे रखी है, तो इसका मतलब ये टू में जा सकता है, उसके बाद टू से फोर में जा सकता है, मतलब दो बार रिडक्शन करा सकते हैं आप इस पर। तो आप दो बार रिडक्शन करा लीजिए, दो बार रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, सी एच टू और देन एन एच टू, मतलब इसमें रिडक्शन प्रोसेस होगा, मतलब हाइड्रोलिसिस मत करा देना, रिडक्शन ही होगा। ये सिंपल हाइड्रोलिसिस है, ये सिंपली हाइड्रोलिसिस है, तो तीन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है। हाइड्रोलिसिस का थोड़ा सा पार्ट चेक करा देता हूं, इनमें बॉन्ड्स को ब्रेक कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ये है तो इस पर आएगा एच, ऑब्वियस ही बात है इस पर आएगा एच और इस पर आएगा ओ एच, तीन बॉन्ड तोड़े हैं एच ओ एच और एक और एच और एक और, तीन ओ एच आ गए हैं, तीन ओ एच से बनेगा मेरे पास क्या बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गई आपकी थर्ड रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन, नेक्स्ट है रोजेनबॉन्ड रिएक्शन। तो नेक्स्ट चेक करिए, नेक्स्ट है हमारे पास रोजेनबॉन्ड रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन, देख लेते हैं इनको भी। देखिए रोजेनबॉन्ड रिएक्शन में आपके पास बेंजोइल बेंजीनोइल क्लोराइड होना चाहिए या फिर एसिड क्लोराइड का बेंजीन डेरिवेटिव दे रखा है, लिंडार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। देखिए मैंने ये सारी रिएक्शंस एक साथ इसलिए लिखा हूं, सब में बेंजाल्डिहाइड ही मेजर है। अभी देखिए इसमें आगे रिडक्शन कराया है H2PdBSO4, सिंगल स्टेप रिडक्शन कराता है, इसका मतलब जो भी आपको दे रखा है जैसे आप H2 निकल से कराते हैं वो कंप्लीट रिडक्शन करा देता है। H2PdBSO4 सिंगल स्टेप का मतलब है एल्काइन दे रखा है तो एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, एसिड डेरिवेटिव दे रखा है तो इसको एच और एच प्रोवाइड करेगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखें अल्कोहल में कन्वर्ट इसको नहीं कराना है अभी आपको, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल रिडक्शन दे रखा है। BSO4 यहां पर पॉइजन की तरह काम करता है, जो कि आपका एक बार रिडक्शन कंप्लीट होने के बाद पैलेडियम की सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इटार्ड रिएक्शन, ये आपको याद रखनी चाहिए यार, ये रिएक्शंस सीधा मीन्स में क्वेश्चंस की तरीके से उतरती हैं, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट इटार्ड, इटार्ड के लिए आपको क्या दे रखा है बच्चों, टॉलिन दे रखा है मेरे पास, टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराइए, क्रोमा तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो बना के देगा आपको बेंजाल्डिहाइड। ध्यान रखें ये भी और ये दोनों ही इटार्ड रिएक्शन का काम करती हैं, अगर आप एसिड एनहाइड्राइड से भी कराएंगे तब भी वो बेंजाल्डिहाइड ही बना के देगा। क्लियर है, नेक्स्ट रिएक्शन को बात करते हैं, गेटरमैन स्कोच और गेटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन की, तो उनको चेक करिए। नेक्स्ट है हमारे पास गेटरमैन स्कोच सिंथेसिस, देखिए अब किस तरीके से आपने इसको रिएक्शन को करना है, ये भी दोनों एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, मीन्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसको रिमेंबर रखना चीज को, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। पहले गेटरमैन कोच सिंथेसिस, देखो कोच को याद रखने का लिए मैं तरीका बताता हूँ, कोच मतलब कि आपका क्या है CO दे रखा है तो कोच के तरीके से काम करेगा, ये जो दे रखा है आपको ये एक तरीके से एसाइलेशन का पार्ट है एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, अगर मैं इसको मिक्स कर दूं तो यही बनेगा है, एच आपका यहां जुड़ जाएगा, सी एल भी आपका यही जुड़ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यार ये बहुत ईजी है, अब सोचो एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में इससे क्या करा देते हैं, सी एल को हटा देते थे, एसाइलेशन वाला पार्ट कराते थे और ये इस पर अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बेंजाल्डिहाइड अगेन बन जाएगा। ये हुई गेटरमैन कोच सिंथेसिस, रिमेंबर है कोच, कोच मतलब सीओ, सीओ का मतलब एचसीएल के साथ होगा, एचसीएल इसी के फॉर्म में रहता है, एचसीएल डबल बॉन्ड ओसीएल एट अ रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन अ सीओ प्लस एचसीएल, ये एचसीएल से रिएक्शन का ही बेंजाल्डिहाइड बन चुका है। दूसरा है देखो, पहले गेटरमैन ने कोच के साथ बनाया, अब बेचारा गेटरमैन ने अकेले बना लिया, सीओ एचसीएल बनाया है हमने, यहां पर एचसीएल दे रखा है, कुछ भी नहीं है सेम ही है, ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बन सकते थे तो उसने सीएल के साथ बॉन्ड बना रखा है, नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो उसको जरूरत नहीं है बॉन्ड की, चाहे तो आप एक एच इस पर लगाएंगे बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पर कार्बोकैटायन बन सकता है और ये इस पर अटैच हो जाएगा तो स्टार्टिंग में जो बनेगा वो सेम पिछले जैसा प्रोडक्ट देखेगा सीएच डबल बॉन्ड एनएच और देन इसके बाद क्या करेगी आपकी हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा यार CHO plus NH3 आप क्या कर दो अलग कर दो तो अगेन क्या बन जाएगा मेरे पास बेंजाल्डिहाइड। देखो ये सारी हुई आपकी बेंजाल्डिहाइड की प्रिपरेशन, एक और है डाइवाल एचसीएल है, डाइवाल एचसीएल भी चेक कर लेते हैं, तो डाइवाल एचसीएल बात करते हैं, रिडक्शन बाय डाइवाल एच,
डाई वाले जो होता है आपका बेटा डाई आइसो, आइसो मतलब ये डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है इसका, खतरनाक सा लगता है। डाई आइसो ब्यूटाइल, ये दोनों डाई आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है। एल्यूमिनियम ये लगा दिया और हाइड्राइड ये आ चुका है, ये है आपका डाई आइसो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो कितनी है, टोटल एक हाइड्रोजन्स है। तो ये आपका मॉडरेट की तरह काम करता है या फिर वीक की तरह काम करता है, ये है सिलेक्टिव रिडक्शन कराता है। तो आर सीएबल बॉन्ड को सीएल को ले लो, इससे अगर आप रिडक्शन कराओगे, डायमल से रिडक्शन कराओगे तो देख लो एक ही हाइड्रोजन है और ये सीएल को गोला मार दो। इस सीएल को हटा के क्या लगा देना है आपको, एच लगा देना है। बिल्कुल आर सीएबल बॉन्ड ओ एच बन जाएगा। ध्यान रखें सिंगल स्टेप ही रिडक्शन होगा, डबल स्टेप मत करा देना इसमें, एक ही हाइड्रोजन है सिर्फ इसी वजह से। कार्बोनाइल को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपको डाइवाल फिर से यूज करना पड़ेगा। डाइवाल अगर फिर से यूज करोगे तो ये इसको एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा और इसमें पॉइंट बता देता हूं, ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है बच्चों, एस्टर को भी रिड्यूस करता है, सेम एल्डिहाइड में ही लेके जाएगा। ध्यान रखें इस चीज को, एल्डिहाइड में ही जाएगा। तो एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी इससे रिड्यूस करा सकते हैं आप, और बाकी का कार्बोनिल कंपाउंड तो आपको है ही है जो कि सीधा एल्कोहल में लेके जाएगा। क्लियर है? तो डाइवाल की वर्किंग याद रखिएगा। नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोनिल की किस तरीके से वर्क करते हैं वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए पहले कार्बोनाइल को देख लेते हैं। ये है R, ये है C डबल बॉन्ड, यहां पर है H या फिर R। देखो H होगा तो हमारा एल्डिहाइड कंप्लीट, R डैश होगा तो हमारा कीटोन भी हमने इंक्लूड कर लिया, मतलब दोनों ही मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ये साइड है, यहां से अगर पाई बॉन्ड का देखें तो चेक करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज्यादा होगी, और इस पर कैसी होगी, कार्बन पर पॉजिटिव की डेंसिटी ज्यादा। ये मेरा वर्क करता है किस तरीके से, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा बच्चों, बिल्कुल ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। इस पर जो भी रिएक्शन होगी तो आपका कौन सा रिएजेंट आएगा, अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएगा। कार्बोनाइल पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड पर एडिशन होता है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन शो करेगा, मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब ये रहेगा आर, ये कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल जो लग चुका है ऑलरेडी, एडिशन हुआ है न्यूक्लियोफाइल के साथ, जो भी कुछ होगा वो इधर लगा देना बाद में, यहाँ एच या फिर आर डैश एल्डिहाइड कीटोन वाला टाइप पे, और ये बनेगा कायरल सेंटर। ध्यान रखना यहां से sp2 से कन्वर्ट हुआ है sp3 में, कायरल सेंटर बन सकता है, बन सकता है, चेक करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब बात करते हैं रेट की, वो बहुत जरूरी है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो जितना जल्दी अटैक होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना चाहिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है कि नहीं। तो स्टेरिक वन अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बन। कार्बोनाइल पर जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही रेट क्या होगी, कम होती जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखें। दूसरी चीज, जितना ज्यादा देखो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी ना, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी, जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। क्लियर है ना? उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर पाएगा। तो अब मैं चेक करूं न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे आसपास, तो क्या करेंगे वो खींचेंगे ज्यादा, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, ये हो गया, यहां तक ही कर लिया है। एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और कीटोन क्या होता है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश,
एक जगह एल्काइल ग्रुप है और एक जगह एच है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी कीटोन से। ये चीज भी पॉइंट में रखना, ये तीनों ही पॉइंट आपके काम के हैं। इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं कि किस तरीके से आपको इसको रिलेट करना है वो चेक कर लेते हैं। चलिए, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए तो बहुत ही सिंपल है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल बहुत ही छोटा ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, एसिटल्डिहाइड दे रखा है और आपका एसीटोन दे रखा है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर चेक करना है, तो चेक कर सकते हैं आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए देखो एल्डिहाइड दे रखा है, दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो सबसे ज्यादा इसकी, ये भी एल्डिहाइड है और ये कीटोन है तो फिर इसकी, क्योंकि यहां पर एक ग्रुप क्या है CH3 दे रखा है। क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल चेक कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा है, उसको आप ढंग से चेक करें तो काम बन जाएगा आपका। ये दे रखा है आपको सी डबल बॉन्ड हो, ये एच, यहां पर आप लगा दीजिए सी डबल बॉन्ड ओ और यहां CH3, यहां पर आप लगा सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और यहां CH3 और यहां लगाओ NO2। ये काफी है, तीन दे रखे हैं, तीन में हमें चेक कर रहा है कि किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। एक और ले लेता हूं, बल्कि एक और ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो थोड़ा सा और चेक करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ इस पर इफेक्ट देखने हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यही चेक करना है, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर? चेक करते हैं। ये एल्डिहाइड है, लास्ट वाला एल्डिहाइड है, ये दोनों क्या है कीटोन्स है, तो कीटोन्स को पीछे कर दो, एल्डिहाइड्स को आपको पहले लेना है, तो एल्डिहाइड्स आप पहले लेके चले। तो ऑर्डर में ए और डी मेरे लिए पहले आ जाएंगे, उनको मैं पहले रखूंगा, उसके बाद मैं रखूंगा किसको, बी और सी को। अब चेक कर लेते हैं ए और डी में इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा इस पर। ये प्लस एम लगाएगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी, तो किसकी ज्यादा होगी, ए इज ग्रेटर देन डी। ध्यान रखना इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस वजह से इससे ज्यादा है, या कीटोन दोनों से ही ज्यादा है। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, ये दोनों कीटोन है, सेम टाइप की कीटोन है, लेकिन NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है बेटा, माइनस एम, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, तो ये आएगा सी इज ग्रेटर देन। इस तरीके से आपको ऑर्डर लगा लेना है। रिमेंबर, एक कीटोन से एल्डिहाइड को कंपेयर किया, ये मत सोचना कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कम ज्यादा हो जाएगी, पड़ ज्यादा जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ फैक्टर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, वैल्यूज के थ्रू नहीं। आप इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वैल्यू, तो वो जरूरत नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं और रिएक्शंस को, अब इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे कि आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, पहली है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन, चेक करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। पहली रिएक्शन है इसकी एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल रिएक्शन की बात भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो नेक्स्ट देखे एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा, वो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल विच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस देते हैं। देखो मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके दे रहा हूं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी रिएक्शंस को याद करने के लिए ये करना चाहिए कि आप उन सारे रिएक्शंस के नेम लिख लीजिए और उनके साथ एक एग्जांपल, मैं वही करने वाला हूं, सारी रिएक्शंस लिखाने वाला हूं दोनों लेक्चर्स में, प्लस उनके एक एक एग्जांपल्स को बताता रहूंगा कैसे वर्क कर रहे हैं। ये दे रखा है, इससे जो बनता है बेटा वो क्या बनता है, CH3CH, यहां पर लगेगा OH, ये CH2, ये सी डबल बॉन्ड हो, पहचान लेना चाहिए अल्फा बीटा, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसके बाद इसको हीट करने पर ये बनता है हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड को, मतलब कि ये है आपका क्रोटोन एल्डिहाइड, इसमें कि अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड दिख रहा है मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। कंपाउंड आपके इसी तरीके से ही बनेंगे, यानी कि इसी फॉर्मेट के कंपाउंड होंगे, ये याद रखें।
इससे डायरेक्टली भी बना सकते हो, आप एक कीटोन को इधर लिखो दूसरा का इधर लिखो, एक का तुम ऑक्सीजन गायब कर दो और दूसरे वाले का हाइड्रोजन गायब कर दो, ये बहुत जरूरी है। अल्फा होना चाहिए, कार्बन अल्फा के हाइड्रोजन सी रहेंगे, अल्फा वाले कार्बन के हाइड्रोजन नहीं, तो एक के हाइड्रोजन गायब कर दिए दूसरे के कार्बन गायब कर दिए, ये कनेक्ट कर दिया। दिक्कत हो तो उसमें आप नंबरिंग कर लो कि नंबर कितने हैं, कौन से कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ था, उससे काम कर लो। इसी तरीके से सारी रिएक्शन इसकी होती है, इसको ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जेई एडवांस में इससे क्वेश्चन यार आता है, इससे क्वेश्चन नहीं आया पेपर बेकार है, ये है मान के चलो, इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये चीज ध्यान रखें। इंटरमोलिकुलर एल्डोल भी होता है, क्रॉस एल्डोल भी होता है, उन सबको इसी तरीके से ही करते हैं। इंटरमोलिक क्रॉस एल्डोल होगा तो क्रॉस एल्डोल में सारे टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे, क्रॉस भी बनाएंगे और इंट्रा भी बनाएंगे, मतलब कि जो आपके सेल्फ से बन सकते हैं वो भी बनाएंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर होगा तो हमें रिंग देखनी पड़ेगी कि भाई सिक्स मेंबर की रिंग पहले प्रेफर हो रही हो, फाइव मेंबर की हो रही हो, देन फोर मेंबर की हो रही हो, तो इस तरीके से हम चेन को प्रेफर करते हुए काम करेंगे। क्लियर है, आगे बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, सेकेंड रिएक्शन चेक करिए। सेकेंड है हमारे पास केनिज़ारोज़ रिएक्शन। तो देखो केनिज़ारोज़ रिएक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको, थोड़े से क्वेश्चन इस पर अच्छे बन जाते हैं, कैसे बनते हैं वो चेक करते हैं। केनिज़ारोज़ रिएक्शन वो देते हैं कार्बोनिल व्हिच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनिज़ारो देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल देगा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बट OH माइनस उस कार्बोनिल, देखो पहले मैंने तो एक ही दे रखा है, तो एक पर मैंने इस पर अटैक कराया, इसका हाइड्रोजन ऊपर से हटेगा और दूसरे पे लग जाएगा, तो इस पार्ट में हुआ है ऑक्सीडेशन और इस पार्ट में हुआ है रिडक्शन। तो देखो हमें एक चीज याद रखनी है, पहले तो एक क्वेश्चन बताओ, एक चीज याद रखती है कि एक ही मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल से रिडक्शन जाता है, That will be disproportionate reaction. बिल्कुल, तो केनिज़ारो इस disproportionate reaction का example है। देखो केनिज़ारो disproportionate का example है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। ये reaction disproportionate है, केनिज़ारो सारी disproportionate नहीं होती, बिल्कुल। This is the self केनिज़ारो reaction. ये self केनिज़ारो है यार, इसीलिए ये क्या दे रखी है, disproportionate दे रखी है, एक का oxidation कराया एक का reduction। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर मेरे को ये दे रखा है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और अब ओ एच माइनस दे रखा है, अब ये मैंने जो कराई है ये हुई है आपकी क्रॉस केनिज़ारो भाई, और आप क्या करोगे इसमें, इसमें भी वही कहोगे, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा। तो एक चीज याद रखें, अगर फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा होता है तो बेटा हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस द अदर कार्बन। ये मैंने इसलिए बोला कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पहले प्रेफर करेंगे, OH इस पर अटैक करना प्रेफर करेगा, तो ये बनेगा HCl बॉन्ड O माइनस प्लस PHCH2OH। अब आपको देखो यहां इससे इसमें कन्वर्ट किया है, ये हुआ है ऑक्सीडेशन और इससे इसमें कन्वर्ट किया है, ये हुआ है आपका रिडक्शन और ये है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल भाई यही तो याद करने की चीज है, हम बार बार याद कर लेते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट ऐसे बना दो बस खत्म, डिस्प्रोपोर्शनेट होती है केनिज़ारो, ऐसा नहीं है। रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट होती है जब सेल्फ हो रही होगी, केनिज़ारो हो रही होगी तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है, अलग अलग पार्ट पर ऑक्सीडेशन, अलग अलग पार्ट पर रिडक्शन होने वाला है, ये चीज याद रखना। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, आपके पास अगर अगर आपके पास ये दे रखा है, एक्सेप्शन है एक तरीके से, एक्सेप्शंस के लिए कौन सा है, केनिज़ारो का एक्सेप्शन है, अगर आपको दे रखा है क्लोरल, क्लोरल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस में क्वेश्चन ऐसा आ चुका है ऑलरेडी। देखो क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे रखा है क्लोरल CCl3CO(OH), याद हो आपको मैंने रिएक्शन बताई थी हेलो फॉर्म रिएक्शन, बेसिक मीडियम में अगर आप क्लोरल से रिएक्शन कराएंगे तो ये केनिज़ारो नहीं देता, ये केनिज़ारोज नहीं देता, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन को प्रोसीड करता हुआ जाएगा भाई, ये हेलो फॉर्म देगा। बिल्कुल, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा आपका, ये अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप है, साइड पे लीविंग ग्रुप होगा तो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस प्लस सी एच सी एल थ्री बनेगा, मतलब कि हेलो फॉर्म टेस्ट होगा भाई, याद रखें इस चीज का, बेसिक मीडियम में हेलो फॉर्म होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं, रिएक्शन मेंस में आई थी कि भाई क्लोरोफॉर्म दे रखी है,
इन प्रेजेंस ऑफ बेस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो उसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। अब दूसरा चीज एडवांस में थी कि इफ वी अकर द रिएक्शन ऑफ केनिजारो ऑन दिस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस नॉट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस CCl3C डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन माइनस देन व्हाट विल बी द अदर प्रोडक्ट। अब तुम सोचोगे यार कि यार इसमें हेलोफॉर्म होनी नहीं थी, मतलब सॉरी केनिजारो होनी नहीं थी, लेकिन केनिजारो को प्रोडक्ट दे रखा है तो हमें क्या करना चाहिए। अरे यार केनिजारो को प्रोडक्ट दे रखा है इसका मतलब उसने करा दी है, जबरदस्ती करा दी है, उसको एक केनिजारो के लिए एक प्रोडक्ट दे रखा है तो दूसरा आपको यही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखो, अगर ऑलरेडी उसने रिएक्शन करा दी है या फिर मान लिया है हो गई है तो आपको रिएक्शन करा देनी पड़ेगी। तो ऐसे दो क्वेश्चन पिक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूं केनिजारो काफी है इसमें। थर्ड है हमारे पास परकिंस रिएक्शन, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखी है प्लस एडवांस तक में आती है। तो थर्ड देखते हैं परकिंस रिएक्शन को। थर्ड इज परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन के लिए बेटा आपका इसमें अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनता है, एसिड बनता है। परकिंस के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए आपके पास, मैं बता दूं आपको सिंपल सी बात है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देते हैं और कोई नहीं देता इसको, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। दूसरा इसमें आपके पास एसिड एनहाइड्राइड होना चाहिए जो कि काम करेगा, प्लस उसी एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ दैट एसिड, सॉल्ट ऑफ दैट एसिड एनहाइड्राइड, उस एसिड एनहाइड्राइड का सॉल्ट होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मेरे पास बेंजाल्डिहाइड दे रखा है, सारी रिएक्शन एक ही जैसी होती हैं, एल्डोल कंडेंसेशन जैसी ही है, अल्फा पर से एच हटाओ बाकी का कार्बोनाइल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो, बस यही टाइप से चलती है। CH3 डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ और ये CH3, ये दे रखा है आपको CH3 डबल बॉन्ड ओ और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, बिल्कुल इस तरीके से दे रखा है। देखो मैंने आपको एसिड का सॉल्ट दे रखा है प्लस आपको एसिड एनहाइड्राइड दे रखा है, कराना कुछ नहीं है इसके रेस्पेक्ट में। ये अल्फा पोजीशन है, मैंने बताया था एक अल्फा से हाइड्रोजन हटाइए, दूसरे वाले का ऑक्सीजन हटा दीजिए, ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इसमें हाइड्रोलिसिस भी करानी पड़ेगी एच पॉजिटिव के प्रेजेंस में। पहले स्टेप से देख लेते हैं, पहले स्टेप से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, अगर मैंने इसको कंप्लीट करा दिया तो ये मुझे दिखेगा इस तरीके का, पीएच सीएच डबल बॉन्ड सीएच सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी, ये आपका फर्स्ट स्टेप से जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। हमेशा ऐसा ही हो सकता है कि कभी ना कभी प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराया या फिर कोई और कंडीशन दे रखी जिससे कि कुछ और एलिमिनेट हो जाए। हाइड्रोलिसिस दे रखी है आपको पता है, एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कराने से दो मोल्स एसिड मिलते हैं, यहाँ एच यहाँ लगाओ ये मिल जाएगा मुझे पीएच सीएच डबल बॉन्ड सीएच और ये सीओ अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होता है बेटा सिनेमिक एसिड, इसको याद रखना सिनेमिक एसिड बहुत जरूरी है, प्लस बाकी का एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये है आपकी परकिंस रिएक्शन, इसको याद करने का एक और तरीका बता देता हूं, इसमें होता है बेटा पौवा, यस पौवा है, पौवा से याद रख सकते हो, मतलब कि परकिंस रिएक्शन परकिंस है, एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज किया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड अंडर अंडर एनहाइड्राइड लिया है, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में काम किया है, तो ये आपका पौवा काम कर जाएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड इसमें यूज करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड पर हम परकिंस रिएक्शन इस तरीके से करा सकते हैं। ये तो कुछ रिएक्शंस की बात हो गई, अब मैं बात करता हूं थोड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में, चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जरा चेक कर लेते हैं पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पर। देखिए आपको प्रीएजेंट दे रखा है, आपको KOH दे रखा है, H2O मतलब कि डाइल्यूट बेस दे रखा है और हीट कर रखी है, मेजर प्रोडक्ट कुछ है ऑलरेडी जे 2015 में आ चुका है, मैंने आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रखे हैं जस्ट कि आप चेक कर पाए कैसे चेक करना है। तो देख लेते हैं एल्डोल कराया है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो रहा है, चार ऑप्शंस में मुझे ये है कि मैकेनिज्म का पार्ट जरूरी नहीं है, मैं सिंपली ऑप्शंस को चेक करके भी इसको क्लियर कर सकता हूं, वो बहुत जरूरी है चेक करना। तो देखें दे रखा है, मैं सबसे पहले रिंग दिख रही है मुझे, पहली रिंग तो एज इट इज जहां पर थी वही है,
दूसरा एक कार्बोनाइल इधर है, एक कार्बोनाइल इधर है, इसमें कार्बोनाइल की पोजीशन हमें दिख रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों कार्बोनाइल में इसका यूज किया है ऑक्सीजन। नंबरिंग कर लो, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर में नंबरिंग कर लेंगे तो बहुत ही आराम से काम हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है ये हम जज आराम से कर लेंगे। तो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेता हूँ मैं मित्रों, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इतना काफी है, बाकी आप सारे नंबर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चेक करें आप कौन सा पार्ट बन सकता है। देखो फाइव वाले के लिए, इसके लिए ये अल्फा है, इसके लिए ये अल्फा है। अगर मैं फोर से इसके लिए बॉन्ड बना दूंगा तो मुझे दिख रहा है ये वाला कंपाउंड बन सकता है। फोर से अगर इसके हाइड्रोजन हटाओगे और डबल बॉन्ड बनाओगे, चार मेंबर की चेन बनेगी, चार मेंबर की चेन बनेगी, ये रहा फिफ्थ यहाँ जुड़ा होगा, सिक्स ये रहा और ये सी एस पी एस से जुड़ा होगा, तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि फोर मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती है, तो ये पार्ट हटा देते हैं हम। मिसल प्रोडक्ट पूछा उससे, माइनर में बन सकता है थोड़ा और बने तो, ये बनी नहीं रहा, पता नहीं किस तरीके से इन्होंने सोचा है, ये तो बना ही नहीं सकते हम, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल होता है, बीटा गामा नहीं, तो ये तो पहला ही क्रॉस चेक कर दो, इसको उठाते हैं, बचा ही ऑप्शन ही है, बट फिर भी हम बना के देखते हैं। फोर से ये ऑप्शन आएगा, तो अगर सिक्स से लेंगे, सिक्स से अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा इससे, तो मुझे पता है कितने मेंबर की रिंग बनेगी, सिक्स मेंबर की रिंग बनेगी, और इसको मैं सीधा इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये सीधा हो जाए, ऐसा कुछ बनेगा। नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पर ये लग गया, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये आंसर आपका क्लियर हो चुका है, ये है आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको क्लियर करने चाहिए सारे क्वेश्चंस को, कि किस तरीके से हमें ऑप्शंस को चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सेकंड नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये भी एडवांस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आपको एक कार्बोनाइल दे रखा है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एच ऑफ द गिवन रिएक्शन सीक्वेंसेस पूछा है आपसे। कंपाउंड दे रखा है CN नेगेटिव, आपको न्यूक्लिफाइड दे रखा है, जी बनाया है, जी के बाद 95% H2SO4, ये बहुत अच्छी चीज है, 95% H2SO4 और हीट दे रखा है, उसके बाद एच का प्रोडक्ट बनाया है, एच क्या बनेगा ये चेक करना है आपको, कि एच क्या बनेगा चेक करना है। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये मेरे को दे रखा है क्या, न्यूक्लिफाइल, तो न्यूक्लिफाइल तो उस पर अटैक करेगा मुझे पता ही, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। HCN दे रखा है एक तरीके से, तो जो बनेगा स्टार्टिंग में वो ये बन जाएगा CH3CH2, यहां कार्बन OH, इस पर लग जाएगा CH3 और ये लगा C, ठीक है। अब बात समझनी है, ये हमारे पास G तो आ गया, G से H बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, बट G से H में 95% H2SO4 और हीट तो एलिमिनेशन फेवर करता है, प्लस 5% होगा वाटर, वो भी क्या कराएगा, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, ये भी चेक करना चाहिए भाई। तो मुझे पता है CN की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एसिडिक मीडियम में, CN की हाइड्रोलिसिस, यहां पर क्या H, यहां पर OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, कितने बॉन्ड तोड़े हैं, तीन, तीन OH लगानी है, तो इसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, साथ के साथ 95% H2SO4 का काम कर दीजिए, एलिमिनेशन भी कराना पड़ेगा आपको, वाटर का एलिमिनेशन OH और ये है इसका बीटा हाइड्रोजन, ये उठा लो, तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो मेजर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहां CH3 और इसकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी। तो देखो इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है, इसमें CN दे रखा है, हाइड्रोलिसिस कराई नहीं है, इसमें प्रोडक्ट वहीं का वहीं छोड़ दिया, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी है, इसका एलिमिनेशन नहीं कराया है, एलिमिनेशन होना जरूरी है, तो ये आंसर आपका जरूरी हो गया है। एक ऐसे आ गया, एलिमिनेशन भी करा दिया मैंने कंप्लीट, प्लस इस पे हाइड्रोलिसिस करके बना दिया है प्रोडक्ट, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, नेक्स्ट देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल क्वेश्चन है, किस तरीके से इसको डील करना है ये बहुत जरूरी है। जे 2012 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो चेक कर लेते हैं। कंपाउंड दे रखा है आपके पास, कंपाउंड दे रखा है टी, एक एस्टर दे रखा है, साइक्लिक एस्टर है, टी से आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई है, यू बना, यू से आपने एक्सिस में यानी CH3CO से रिएक्शन कराई है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, डब्ल्यू बना, डब्ल्यू U से फिर आपने क्रोमिक एसिड से रिएक्शन कराई है CrO3 और H पॉजिटिव से, तो आपका V बना। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, T is soluble in hot aqueous, U is optically active, molecular formula of W is C10H18O4 और V gives effervescence on treatment with NaHCO3। आपको इसके लिए सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। अब चेक करते हैं कि करके ऑप्शंस को, पहला है T is soluble in hot aqueous NaOH, ये दे रखा है आपको T। NaOH से क्या होगा बेटा, अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करा दूं, तो आपको पता है ये कैसा है, बेस है, और एस्टर की बेसिक मीडियम में हो जाती है हाइड्रोलाइसिस, तो ये सॉल्युबल हो गया,
क्यों? क्योंकि रिएक्शन अगर हो गई तो इसका पॉइंट ये है कि वो सॉल्युबल हो चुका है, तो ये इससे रिएक्शन कर लेगा, बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ओपन हो जाएगी रिंग, रिंग ओपन हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा ओ नेगेटिव, फिर बाकी का सारा पार्ट इधर, और ये OH बन जाएगा और यहां CH3 लग जाएगा, तो ये दो रिएक्शन हो जाएगी। तो टी इज सोल्यूबल इन एक्वस NaOH, पहला सही है, पहला बिल्कुल सही है, सही है। पहले इसकी रिएक्शन भी करा देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएंगे तो ये यू बनेगा बेटा, वो पता है आपको, एस्टर का रिडक्शन करा देंगे हम, एस्टर का रिडक्शन कराने के बाद जो बनेगा वो बनेगा आपका सी, ऊपर वाले का रिडक्शन कराओगे तो ये OH में कन्वर्ट कर देगा, नीचे वाले का भी रिडक्शन कराओगे तो इसको भी OH में कन्वर्ट कर दोगे, और ये बनेगा इधर CH3। अब आप एक बात बताओ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था, ऑप्टिकली कंपाउंड एक ही होता है, एक्टिव कंपाउंड होता है, ये इसका फॉर्म दे रखा है ऊपर की तरफ, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव था, यू ये बना है, बताओ क्या यहां पे ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? ये यहां से चेक करो, यहां से चेक करो, तो क्या ये कायल रह गया? नहीं। तो अब ये कैसा है? ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया भाई, यस इनएक्टिव हो गया ये, क्योंकि सारे दोनों तरफ क्या हैं, सेम वैलेंसीज हैं, तो ये कायरोसेंटर इधर बिहेव नहीं करेगा, ये हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, क्लियर है? अब देखो यू ये बन गया है, इसका काम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्या करती है? ये कराती है आपकी एसिटाइलेशन। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, आपने बायो मॉलिक्यूल्स में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जितने भी OH ग्रुप होते हैं उनको पहचानने के लिए उन्होंने क्या कराया, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई, और टोटल 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हो गए। वो 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड का पार्ट ये होता है कि वहां पर वो एच हटाकर ये ग्रुप लग जाता है, तो एनहाइड्राइड बनेगा, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, देखना ये ऑक्सीजन इससे सी डबल बॉन्ड को और ये CH3, और बाकी का फिर से जैसा दे रखा है वैसा ही बनाएंगे हम, जैसे ये दे रखा है आपको पूरा, इसको उसी तरीके से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, ये CH3, फिर यहाँ ये दे रखा है, फिर इस तरीके से बनाइए, फिर इसको ऑक्सीजन लगाइए, सी डबल बॉन्ड हो CH3, मतलब एसिटाइलेशन रिएक्शन का पार्ट है भाई, इससे कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एनहाइड्राइड का टाइप बन जाता है, एसिटाइलेशन, इसलिए बोल देते हैं कि एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है, और उसे एच को हटा दो तो एसिटिक एसिड की फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये बन गया। इसका फॉर्मूला चेक करो, दो ऑक्सीजन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 कार्बन हो गए, तो 10 कार्बन है, 18 ऑक्सीजन 4 है, 18 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, गड़बड़ हो गई, चेक करते हैं, इस पर नीचे काउंट किया मैंने, 1 18 इस पर होगी, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और इस पर भी एक है तो ये होगी टोटल 18, तो इसका फॉर्मूला है C14 सॉरी C10 H18 और O4, तो ये एक कंप्लीट है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ W इज दिस, सही है, ये भी आंसर एक सही आ गया हमारे पास। अब थर्ड लास्ट ऑप्शन है, वी गिव्स एफएमएनस ऑन ट्रीटमेंट विद NaHCO3, वी क्या बन रहा है ये चेक कर लो भाई, वी है आपका, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, यह करंट वी जो बनने वाला है, वी जो बनने वाला है भाई, वी है आपका, वी इसी से रिएक्शन कराओगे तो वी तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में चेंज कर देते, तो वो बनेगा आपका करेस्पॉन्डिंग एसिड में, तो यहां मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस एल्कोहल को एसिड में, बचो बिल्कुल इस तरीके से आप एसिड बना लीजिए इसका, ये CH3 की वही है, CH3 से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है क्योंकि उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। गिव्स एफर्वेंस विद NaHCO3, तो आपको याद होगा NaHCO3 हमने यूज किया था टेस्ट फॉर एसिड और एल्कोहल के लिए, या फिर टेस्ट फॉर बेंजोइक एसिड और फिनॉल के लिए, तो बेंजोइक इससे एसिड से रिएक्शन दे देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और अपना सॉल्ट बनाते हैं, ये चीज याद रहने वाली है भाई, ये चीज याद कर लेनी चाहिए। तो ये टेस्ट की तरह काम करेगा, CO2 उड़ जाएगी, उसी की हमें ब्रिस्क एफर्वेंस मिलेगी, यहां CO2 मिल जाएगी मुझे, और यहां से ये एच हट जाएगा, एन ए लग जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। आपको तीन ऑप्शन चेक कर चुके हैं, NaOH से रिएक्शन कराई सॉल्युबल हो जाएगा, यू बनाया, यू बनाइए क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, डब्ल्यू बनाओगे एसिटाइलेशन कराओ, एच और एच हटा दो, 4 कार्बन बढ़ जाएंगे ऑलरेडी, 6 दे रखे हैं, तो ये भी आपका फॉर्मूला आ चुका है, वो चेक कर चुके हैं,
डी में आपका वी गिव्स एफरवेंस ऑन ट्रीटमेंट विद NaHCO3 कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे, वो आपका एफरवेंस भी देगा, तो इस तरीके से आपकी एफरवेंस मिल जाएगी। ये हुए आज के क्वेश्चंस। देखो यार, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ और रिएक्शंस। अभी तो जो भी स्टार्ट हुए हैं, एल्डोल कराई है मैंने आपको, कैनिजारो का कंप्लीट कराई है और परकिंस बताई। नेक्स्ट में हम रिफॉर्मेटर्स की चेक करेंगे और हम चेक करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस अमोनिया या उनके डेरिवेटिव्स के साथ कैसे होती है, प्लस कार्बोनिल की रिएक्शन एल्कोहल के साथ जो कि हेमी एसेटल बनाता है और हेमी कीटल या फिर एसेटल बनाता है, वो चेक कराऊंगा मैं। नेक्स्ट होगा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट है, फेनिंग सॉल्यूशन है, ये कार्बोनाइल के टेस्ट को मैं कंप्लीट करूंगा, वो कि हम सेकंड लेक्चर में चेक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप पूरा रिवाइज्ड कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी आपके एडवांस के क्वेश्चन हैं, मेन्स के क्वेश्चन हैं, वो टेलीग्राम लिंक पर जरूर आप पूछें। ध्यान रखें एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 18 डेज रह गए हैं, आई नो कि हमने मंडे मिस किया है, तो उसकी भरपाई हम साथ के साथ कर देंगे। तो आप ध्यान रखें, आप सारे क्वेश्चंस को पिक कर लें, अपने डाउट्स को पूछ लें तुरंत के तुरंत। लास्ट वीक में आपको बस यही करना है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी हो चुके हैं, बस उन्हीं को ही रीड करें, थ्योरी ही रीड करें। मैं उस टाइम पर बस वही करूंगा, जो भी बच्चों के डाउट्स होंगे वो एंटरटेन करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस ग्रुप। ध्यान रखें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी आपके आपके कोई भी उससे डाउट है, वो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक के डिस्क्रिप्शन पर आप मिल सकते हैं। कुछ शॉर्ट वीडियोस भी मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करने वाला हूँ बच्चों, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वो भी नीचे ही मिल जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।